जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी, संसार के अनेक रोग हैं और उनकी अलग अलग औषधियां हैं, परंतु राम नाम तो सभी रोगों की रामबाण औषध है। शोक, मोह, लोभ आदि सभी रोगों के लिए एक राम नाम ही महान औषध है। प्रहलाद जी ने होलिका के जल जाने पर कहा कि देखो, जिसे न जलने का वरदान था वह भी जल गई। मेरे चारों ओर शीतलता है, मेरा एक रोम भी नहीं जला। राम नाम के जापक निर्भय रहते हैं। कलयुग में नाम स्मरण करके कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है, अन्यथा समय के प्रभाव से बचना कठिन है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों सच्चिदानंदमय हैं। एक को पकड़ने से चारों पकड़ में आ जाते हैं। सुलभ एवं शक्तिमान होने से नाम चारों में श्रेष्ठ है। नाम में लीला भरी है, राम में रामायण, कृष्ण नाम में भागवत पुराण स्थित है। नाम पुकारने से रूप का आकर्षण होता है। नाम में धाम तेज और धाम लीला भूमि ये व्याप्त हैं। बट बीज में जैसे विशाल वृक्ष व्याप्त है, उसी प्रकार नाम में सब कुछ है। नाम का आश्रय लेने से रूप, लीला और धाम का आश्रय हो जाता है। श्रेष्ठ नाम स्मरण ही है, दूसरे साधनों के योग्य हम नहीं हैं। आवश्यक काम करने के बाद या करते करते भी नाम जप का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नाम में प्रेम होना, भगवान में प्रेम होना एक ही बात है। नाम जप के साथ यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हो रहा। नाम जप में एकाग्रता के बढ़ जाने पर विषयों से वैराग्य हो जाएगा। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शुद्धि हो जाएगी, तब स्वयं दिव्य अनुभव होने लग जाएंगे। नाम जप को ध्यान पूर्वक करना चाहिए या बिना ध्यान के भी कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान सहित नाम का जप अति श्रेष्ठ है, परंतु आरंभ में यदि ध्यान सहित नाम जप नहीं बने तो बिना ध्यान के भी जप करते रहना चाहिए। पर जप करते समय मन को इधर उधर अनिष्ट विषयों में नहीं जाना चाहिए, जाए तो रोकना चाहिए। लीला चिंतन या रूप चिंतन, शोभा चिंतन, धाम चिंतन, जो भी संभव हो उसे नाम जप के साथ करना चाहिए। कीर्तन करते समय गायन में मन को एकाग्र करना चाहिए। नाम के अर्थ अथवा लिखे हुए नाम में ही मन लगाना चाहिए। कृपा करके जीभ के ऊपर भगवान ही नाम के रूप में प्रकट होते हैं। अपने नाम जप का प्रचार न करके उसे गुप्त रखना चाहिए। किसी साधक को नाम जप में लगाने के लिए अपना नाम जप भजन कहा और बताया जा सकता है। अहंकार न हो, बड़प्पन न आवे, राम नाम का आश्रय लेने वाले ही कलयुग के दोषों से बचते हैं, अन्यथा बड़े से बड़ा भी कोई बच नहीं सकता। एक संत सुदामा कुटी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मेरे सामने कलयुग आया और उसने यह बात कही, उसी दिन से अब मैं समय से राम मंत्र जपता हूँ। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों समान हैं, इनमें एकता रहती है। इनमें से एक का भी आश्रय यदि कोई लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इन चारों में नाम सबसे अधिक सुलभ है। नाम लेने में कोई विधि विधान नहीं, अपवित्रता पवित्रता की भी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि को छोड़कर नाम लेता है तो उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। प्रभु के नाम में विश्वास रखकर उसके अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, उसके बदले दूसरी कामना नहीं करनी चाहिए। हमारे भीतर बाहर की सारी बातों को भगवान जानते हैं, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, स्वयं अनुभव करना चाहिए। कली काल में भगवान नाम की तरह गुरुदेव का नाम, भक्तों का नाम जपना भी मंगलकारी है। नाम की महिमा सदा थी, आगे भी रहेगी, पर कलयुग में इसका विशेष महत्व है। जय श्री राधे।